देखिए, ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट है, ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है। आपको सबको पता है कि जो एक इंसिडेंट हुआ है बाहर कोलकाता में, उसके संदर्भ में ये हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा हुआ है, जिसमें हम उनका पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं पूरे कॉलेज से, कि जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है वो कहीं और ना हो। इसलिए हमने ये सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट रखा हुआ है। और इसके बाद हमने एक नोटिस भी दिया है प्रिंसिपल सर को कि अगर 3 दिन के बाद हमारा कुछ जो हमने उनको थोड़ी डिमांड्स रखी हैं, जैसे हमारी सिक्योरिटी की है कि डॉक्टर के पास सिक्योरिटी नहीं होती, एक रेंडम मतलब पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट आ जाते हैं, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है पेशेंट को चेक करने में, और फिर वहीं पे सारा ये रोष जो होता है वो डेवलप होता है। तो हमने लिख के दिया सर को, तो सर को हमने बताया कि हम पीसफुल आज भी प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर इसके बाद हमें नौबत आई तो हम अपनी जो बाकी सर्विसेज हैं उसको भी हम सस्पेंड कर सकते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कानून तो बनाते हैं, अच्छे अच्छे कानून बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। तो फिर इसीलिए प्रोटेस्ट होते हैं। हम चाहते हैं कि चलो गवर्नमेंट हमारा साथ दे और हम ऐसे प्रोटेस्ट ना करें, ताकि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और जो इंसिडेंट ऐसे होते हैं ये दोबारा ना हो। इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने भी आज प्रोटेस्ट निकाला हुआ है, और देखते हैं गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, ऐसी बात नहीं है, बट देखेंगे आगे क्या होता है। जो ये ऑल ओवर इंडिया इस टाइम पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एक फीमेल रेजिडेंट के साथ किया गया है, ये सारा प्रोटेस्ट उसके लिए है कि फॉर हम चाहते हैं कि उनको जस्टिस मिले और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाए, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमराज और जो सिक्योरिटी वो हमें प्रोवाइड की जाए।
अभी फिलहाल हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट हमारी मांगे नहीं मानती है तो फिर ये हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं, जो सर्विसेज है वो सस्पेंड कर सकते हैं। अभी फिलहाल वी जस्ट वांट कि गवर्नमेंट हमारी बातें सुन ले और हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाए। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, वेक अप वी वांट जस्टिस, वेक अप वी वांट जस्टिस, सेव द सेवियर्स, सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स, सेव द सेवियर्स, सिक्योरिटी फॉर डॉक्टर्स। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार, एक दो